ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರು ಟೆಂಡರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ತಿಂಗಳದಾಗ ಮಾಡ್ರಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳದಾಗ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿದಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರೋದವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊಂಟದ ಬಟ್ ಬಡವ್ರ ಹೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಡಿಲತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟೆಂಡರ್ ಖತಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆ ನಡಿಬೇಕು ನೀವು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಉಪಜೀವನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಬಡ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋ ತನಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಲೆವು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರಸ್ತನಕ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡಸ್ತನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಲೆವು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ माध्यम के भाइयों को नमस्कार जय भीम। आज के दिन जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ऑफिसर्स जो है इन्होंने जो टेंडर वर्क था टेंडर वर्क के नाम से लोगों को काम करा लिए और काम ख़त्म होने के बाद में इनको काम से निकाल दे रहे तो ये गलत है। 90 डेज सरकार के कौन से भी सेक्टर में काम करने वाले लोग 90 डेज काम करे तो उसको परमिट करना बोल के कोर्ट का आदेश भी है और संविधान का रूल्स भी है। 90 दिन से ज़्यादा कौन सरकारी इलाके के अंदर सरकारी सेक्टर के अंदर काम करता है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो उनको परमिट करना बोल के है। तो आज जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों के साथ इतना गद्दारी काम कर रही है कि ये टेंडर वाइज कर दिए। स्टेट गवर्नमेंट का कल टीवी में आज का रिपोर्ट दी है कि आज से हम नया अपार्टमेंट नहीं कर लेंगे। कौन से इलाके में सरकार के जितने भी इलाके हैं उसके अंदर हम नया अपार्टमेंट नहीं कर लेंगे और पुराने लोगों को उनका ख़त्म होने के बाद टाइम उनको रिटर्न कर देंगे लेकिन पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। प्राइवेटाइजेशन तो आज जो इन जो गुत्ती के एक इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक के ऊपर नौकरी पर लिए है ये लोग दो साल से ज़्यादा इतना ईमानदारी से इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बाहर से लोग आते मुंह पकड़ के अंदर आते हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना क्लीनेस मेंटेन किया जाता है कि लोग हॉस्पिटल गए तो खुश हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हॉस्पिटल में आएंगे उल्टा बीमार अगर आएंगा तो यहाँ से उसका लाशी जाएंगे अच्छे आदमी भी बीमार पड़ के जाएंगे यहाँ से। इनका यह मैनेजमेंट वालों का इतना गलत एडमिनिस्ट्रेशन है इतना मेंटेनेंस सही नहीं है। इस मेंटेनेंस में जो ये लोग काम कर रहे हैं बड़ी मुसीबत से कोरोना के काल के अंदर इतना लोग घर के बाहर नहीं आ रहे थे उस समय में इन्होंने आके हॉस्पिटल में बीमार लोगों का यह धो के साफ सफाई किया तो इनको पगार भी देना चाहिए और इनकी नौकरी कंटिन्यू भी करना चाहिए। यह कौन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि 96 जो गरीब लोगों के औरतें हैं लेडीज़ हैं इनको कंटिन्यू काम किया जाए। उनके माशी हालात उनके घर की ऐसी है इन्हों कमा के अगर ले जाएंगे तो घर चलेंगे ना तो वरना भूखे रहना पड़ेगा।